बच्चों, आज हम मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर्स का यहाँ पे रिवीजन करेंगे और बहुत फास्ट ट्रैक में हम चलेंगे। तो आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे देख लीजिए, हम हाइड्रोजन परमाणु मॉडर्न फिजिक्स में ले रहे हैं, जो कि क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हाइड्रोजन परमाणु में बोहर की परिकल्पना, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोहर की परिकल्पना, तो बोहर ने हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में तीन परिकल्पनाएं दी। पहली दी कि हाइड्रोजन परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार कक्षों में घूमेगा। ये वृत्ताकार कक्षाएं जो है स्थायी कक्षाएं कहलाती हैं। इसमें हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। तथा ऐसा करते हुए वह कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता। ऐसी कक्षा को स्थायी कक्षा कहते हैं। ऐसी कक्षा को स्थायी कक्षा कहते हैं। दूसरा जो इसका पोस्टुलेट है, दूसरा जो अभिग्रहित है वो क्या है कि कौन कौन सी पृथक कक्षाएं हो सकती हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं घूमता है, जिनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो सकती होती हैं, जिनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न होती हैं। फिर यह आएगा तथा ऐसा करते हुए वह कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, ऐसी कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं। दूसरा जो नियम है इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल क्वांटम रूल भी कहते हैं इसको, कक्षाओं का क्वांटम का सिद्धांत, कक्षाओं की क्वांटम का सिद्धांत, कक्षाओं का क्वांटम सिद्धांत, कक्षाओं का क्वांटम सिद्धांत, क्वांटम दूसरे नियम को हम ये भी कह सकते हैं कक्षाओं का। पहले स्थायी कक्षा का नियम है, दूसरा क्वांटम सिद्धांत है। इसके अनुसार केवल वो कक्षाएं ही संभव होंगी जिनकी त्रिज्या निम्न संबंध के अनुसार होंगी, यानी कि संबंध क्या है, एम वी आर बराबर एच अपॉन टू पाई टाइम्स एम। ये एम वी आर क्या है,
मान ले इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये तो नाभिक हो गया, तो इस कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये हो गए आर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम है और मान ले वेग वी है, तो ये अगर से घूम रहा है एम वी आर को हम कोणीय संवेग भी कहते हैं, ये एच अपॉन टू पाई का पूर्ण गुणक होगा। और तीसरा नियम ये है कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर N2 से निम्न ऊर्जा स्तर N1 पर स्थानांतरण करता है, स्थानांतरण करता है, तो वह फोटॉन उत्सर्जित करेगा जिसकी ऊर्जा निम्न संबंध के अनुसार होगी, निम्न संबंध के अनुसार होगी, यानी कि ई एन टू ई एन वन कम होगा, एन टू से ज्यादा से कम में पूछ रहा, तो ई एन टू माइनस ई एन वन बराबर एच न्यू। ये बच्चों ये तीन अगर आपने नियम याद कर लिए तो हाइड्रोजन के परमाणु के संबंध में बोर की परिकल्पना आपने समझ ली थी। ठीक है, पहला स्थायी कक्षा यानी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की यात्रा गोल गोल कक्षाओं में घूमेगा, वो कक्षा एक नहीं है बहुत सारी हैं, तो उनमें घूमेगा और घूमते समय किसी भी प्रकार की ऊर्जा वो उत्सर्जित नहीं करेगा, तो उसमें हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है जिनकी त्रिज्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, तथा ऐसा करते हुए वह कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, ऐसी कक्षा को स्थायी कक्षा कहते हैं। ये बहुत सारी हो सकती है लेकिन कौन सी होगी उसके संबंध में दूसरा नियम, इसे कक्षाओं का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार केवल वो कक्षाएं ही संभव होंगी जिनकी त्रिज्या निम्न संबंध के अनुसार होगी। यहाँ पर एच प्लैंक का नियतांक है, एम वी आर जो है कण का कोणीय संवेग है, टू पाई नियतांक है, और एन जो है कक्षा का नंबर है। मान लीजिए जैसे ये पहली कक्षा इसका एन वन होगा, इसको ग्राउंड स्टेट या निम्न सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर भी कहेंगे, फिर ये दूसरा होगा, ऐसी अनंत कक्षाएं होंगे बच्चों, ये हमने तीसरी है ऐसी, ये अनंत कक्षाएं होंगी, और जो अनंत वाली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो इसका माने ये अपने परमाणु को छोड़ के चला गया, तो हम कहेंगे ये आयनित हो गया, तो ये प्रथम कक्षा है और ये ऐसे आगे कक्षाएं होंगी। तीसरा जो नियम है वो ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमते समय यहाँ पर घूम रहा है, इससे यहाँ जाएगा मान लिया या यहाँ से यहाँ आएगा, तो मान लिया इस कक्षा में की ऊर्जा 10 जूल है, इसकी 5 जूल, जो 10 से 5 में आएगा तो 5 जूल ये बाहर को फेंक देगा, एक फोटोन के रूप में फोटोन उत्सर्जित कर देगा, और उस फोटोन की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू है, जहाँ न्यू उस प्रकाश की आवृत्ति होगी जो उत्सर्जित करेगा। तो ये जो है बोहर की परिकल्पना है, ये आप अपने दिमाग में भली भांति जो है इसको स्टोर कर लीजिए। इसके बाद हम जो है इसको निकालने की कोशिश करते हैं। अब त्रिज्या का, अभी हम हाइड्रोजन परमाणु की में इलेक्ट्रॉन की ना हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का सूत्र, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या, कक्षीय त्रिज्या का सूत्र देखिए, तो हमारे पास इसमें एक तो रदरफोर्ड वाला थ्योरी है कि
इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रक बल इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल से मिलता है, तो अभिकेंद्रक बल का सूत्र लगा देंगे mv2/r, क्योंकि r त्रिज्या में v की, और इधर आ जाएगा जो आकर्षण बल है वह e नाभिक पर आवेश, क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक पर धन ई आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी ई आवेश होता है r2। ये हो गया समीकरण नंबर एक। और इसके अलावा आता है कक्षाओं के क्वांटम सिद्धांत वाला जो सूत्र बोहर ने दिया था, ये रदरफोर्ड ने दिया था, और बोहर ने जो है बोहर का जो सूत्र है वो है mvr, यानी कि इलेक्ट्रॉन की किसी भी कक्षा में जो कोणीय संवेग है वो n टाइम्स h अपॉन 2π का होगा, जहां ये h जो है प्लैंक स्थिरांक है। अब देखो समीकरण दो को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, mv बराबर एन एच अपॉन 2πr, इसको मैं समीकरण तीन कह देता हूँ। एम वी की वैल्यू अगर मैं इसको भी समीकरण एक को हम लिख सकते हैं एम वी दोनों साइड एम का गुणा कर देते हैं m2v2, और r को ले जाते हैं, ये r इससे कैंसिल हो जाएगा और जाएगा 1/4πε0 E2, और एक m से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करूंगा mE2/r, इसको समीकरण चार के लिए। देखिए यहाँ m2v2 है, यहाँ mv है, तो mv की वैल्यू इसमें रख दें अगर तीन से चार में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n2h2 अपॉन 4π2r2 इजिकल्स टू 1/4πε0mE2/r। अब देखिए इस r से एक r कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास r का जो फॉर्मूला है वो ये आ जाता है, r का फॉर्मूला ये ऊपर आ जाएगा इधर, तो कुछ काट भी सकते हैं इसमें चाहे तो 4 से 4 को काट ले, 1π से π कैंसिल हो जाता है और ये अपॉन में आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ऊपर दे जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट n2h2 ये आगे से कैंसिल हो गया अपॉन m π m e 2। तो ये हमारा एक सूत्र आ गया r का epsilon नॉट n2h2 अपॉन π m e 2। अब इसमें n बराबर 1, 2, 3 रख के हम इसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो पहली उत्तेजित अवस्था है उसकी त्रिज्या, द्वितीय उत्तेजित अवस्था हम उसकी निकाल सकते हैं। अगर मैं n बराबर 1 रखूं इसमें, n बराबर 1 रखने पर जो बच्चों r आता है इसे हम कहते हैं या था 0.53 एंगस्ट्रॉम, यानी कि सबसे जो छोटी कक्षा है ये सबसे छोटी कक्षा, इसकी त्रिज्या इतनी होगी। अच्छा इस वाली कक्षा की त्रिज्या, ये तो ग्राउंड स्टेट की होगी, प्रथम कक्षा है प्रथम उत्तेजित अवस्था वाली कक्षा हम इसको कहेंगे, वैसे n बराबर 2 रखने पर आएगी, तो n बराबर 2 रखने पर जो अगली r आएगी दूसरी कक्षा कह सकता हूँ मैं उसको, तो देखिए n की जगह हम 2 रख देंगे तो ये 4 जाएगी, बाकी तो वही रहना है, तो 4 टाइम्स हो जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम का। ये क्वेश्चन भी आया है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बना है कि सबसे पहली कक्षा की त्रिज्या दे रखी है आपको, तो दूसरी कक्षा की तीसरी कक्षा की बतानी, तो आप इससे निकाल सकते हैं n बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ 3 रखेंगे तो r3 जो है बच्चों 9 हो जाएगी, और इसी प्रकार n बराबर 4 रखेंगे तो 4। इसको इस वाली अवस्था को कहते हैं हम निम्नतम ऊर्जा स्तर, इसको हम कहते हैं प्रथम उत्तेजित
अवस्था, ये द्वितीय उत्तेजित अवस्था है। इन शब्दों को भी हमें समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? अगर मान लिया आपसे कहा कि एक इलेक्ट्रॉन चौथी उत्तेजित अवस्था में है, वहां से ग्राउंड स्टेट में आता है, तो चौथी उत्तेजित अवस्था कौन सी होगी? ये तो ग्राउंड स्टेट हो गई। ये प्रथम उत्तेजित अवस्था, द्वितीय, तृतीय, चौथी, ये चौथी उत्तेजित अवस्था है। लेकिन इसकी कक्षा एन एक दो तीन चार पांच, यानी कि एन नंबर पांचवी जो कक्षा है वो चौथी उत्तेजित अवस्था कहलाएगी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर चार से वो चौथी उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है तो वो असल में एन बराबर फाइव से एन बराबर वन पे लौट रहा है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हमसे कहा जाए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं हैं वो किस अनुपात में होती है, तो हम कह सकते हैं एक, पहली बार एक गुना, दूसरी फिर चार गुना, फिर नौ गुना, फिर सोलह गुना। इसका कारण क्या है कि आर जो है एन स्क्वायर के समानुपाती है। तो ये हमारा आ गया हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या का सूत्र। अब इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग का सूत्र देखिए, कक्षीय वेग, वेग के लिए हमने आर तो निकाल ही लिया है, आर की वैल्यू इसमें रखते हैं अगर तो हमारा वेग निकल जाता है। समीकरण दो से v बराबर हो जाएगा एन एच अपॉन टू पाई एम और वन अपॉन आर, आर के लिए रख देते हैं तो v इक्वल्स टू आ गया एन एच अपॉन टू पाई एम और r की जगह आ गया एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू पाई एम ई स्क्वायर। देखिए पाई और m कैंसिल हो गए तो v का जो फॉर्मूला आ गया वो आ गया n, अच्छा n और h भी कैंसिल हो गए, एक एक एम एच, यहाँ पर एन दो है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो एक एन और एक एच कैंसिल हो गया। अब रहा ऊपर रह गया खाली ई स्क्वायर और एन, एन ई स्क्वायर और नीचे बचा टू एप्सिलॉन नॉट एच, ना एन भी कहा बचा एन अपॉन में आ गया एन एच। तो ये हमारे वेग का जो है सूत्र आ गया। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। ये हमारा यानी कि वेग जो है बच्चों, इससे क्या आ रहा है कि वेग एक बटा एन के समानुपाती है, अर्थात जैसे जैसे उच्च ऊर्जाओं में इलेक्ट्रॉन जाएगा उसका वेग कम होता जाएगा, एन बढ़ने से वी कम हो रहा है। तो ये एक बहुत अलग सा रिलेशन है। तो इसमें कई बार ये आता है कि प्रूफ करो हाइड्रोजन एटम में जो वेग है वो एन के व्युत्क्रमानुपाती होता है और आर जो है त्रिज्या जो है वो एन स्क्वायर के समानुपाती होती है। अब हमारे पास दो सूत्र यहाँ पर आ चुके हैं, वेग, वेग का जो सूत्र हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र है ई स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एन एच और त्रिज्या है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर, पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। इनको हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब आता है कक्षीय ऊर्जा का सूत्र हम निकाल रहे हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। कक्षीय ऊर्जा का सूत्र इलेक्ट्रॉन की कक्षीय ऊर्जा, कक्षीय ऊर्जा का बच्चों सूत्र क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है तो उसके पास गतिज ऊर्जा है, तो
और स्थितिज ऊर्जा दोनों है। क्यों है अभी बताते हैं। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। देखिए कोई भी चलती हुई वस्तु पर गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसका वेग भी है, और क्योंकि ये एक विद्युत क्षेत्र में है, नाभिक के विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और जब भी कोई कण किसी विद्युत क्षेत्र में होता है उसके बाद स्थितिज ऊर्जा भी होती है, तो दोनों ही है। हम निकाल लेते हैं, पहले गतिज ऊर्जा निकालते हैं इसकी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का बच्चों एक सूत्र है, सबको पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम और वी स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर कर देते हैं, ई की पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा तो निकल गई, अब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को हम पी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जब भी दो आवेश, क्योंकि नाभिक में धनावेश है इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, दोनों के बीच की दूरी आर है, ऐसे दो कण अगर आर दूरी पर, तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है 1/4 pi epsilon naught, दोनों पर आवेश, एक पर प्लस ई आवेश है, एक पर माइनस ई आवेश है, अपॉन आर। ये सूत्र है, आर की वैल्यू रख देते हैं। तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा बच्चों क्या आ गई, 1/4 pi epsilon naught माइनस ई स्क्वायर, और आर की जगह रख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई की पावर 2। अगर आप इन दोनों को सही से देखिए, देखिए पाई से पाई कैंसिल होता है, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये सूत्र क्या बनता है, देखिए -1/4 epsilon naught square एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर आ गया एम ई की पावर 4। देखिए इससे काफी मैच करता है, एम ई की पावर 4 और देखिए अपॉन में दोनों का एक जैसा है। अगर मैं इसको एक्स मान लूं, इस पूरे नंबर को इसको एक्स मान लूं, तो ये एक्स बाई 2 है, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर ये x है माइनस x तो ये प्लस x बाई 2, और माइनस x में प्लस x बाई 2 जोड़े तो बच्चों माइनस x बाई 2 ही आएगा, यानी कि इतनी ही माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये x बाई 2 है ये x है, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी हमारी -1/2 इतनी, यानी कि जितनी गतिज ऊर्जा है उतना ही नेगेटिव में हमारे पास टोटल जो है वो स्थितिज ऊर्जा होगी, सॉरी टोटल एनर्जी होगी 4/0 square n square h square। ये टोटल एनर्जी को हम एक अलग रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको एच सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो एम ई की पावर 4 एच सी ऊपर लिख लिया और नीचे हो गया 4 × 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब, क्योंकि एच से मल्टीप्लाई नीचे भी करूंगा, और सी इंटू यहां पर एन स्क्वायर। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है बच्चों, यहां से लेकर ये इतनी, इस पूरी क्वांटिटी को हम आर कहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का की पावर 4 और एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब सी, इसकी वैल्यू इसको हम आर कहते हैं, रेडबर्ग नियतांक एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब सी,
इसको मिलिटबर्ग नियतांक कहते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1.09 इंटू 10^7 प्रति मीटर ये आती है इसकी वैल्यू। तो आप अगर मैं इसकी जगह आर रख दू यहां पे, तो टोटल एनर्जी, अगर मैं टोटल एनर्जी को ई से दिखाता हूं तो दिस विल बिकम माइनस, ये पूरा हो गया आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के पास जो ऊर्जा होगी वो इतनी होगी आर एच सी। पहले लेवल में जब इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट लेवल में घूम रहा है तो उसके पास जो टोटल एनर्जी होगी माइनस आर एच सी होगी। और क्योंकि ऐसे ऑर्बिट अनंत है, जब एन अनंत हो जाएगा, 1/अनंत 0 होता है, तो ई की वैल्यू 0 होगी। यानी कि सबसे जो हाईएस्ट ऑर्बिट है उसकी ऊर्जा 0 है, और सबसे जो पहला ऑर्बिट है उसकी ऊर्जा माइनस आर एच सी है। तो इन सब को मैं हटा देता हूं, केवल हम फाइनल रिजल्ट अगर लिखें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज माइनस आर एच सी अपॉन एन स्क्वायर। तो पहला ग्राउंड स्टेट में जब है फर्स्ट जाएगी माइनस आर एच सी, दूसरा एनर्जी लेवल को मैंने क्या बताया था, इसे हम कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो इसकी हो जाएगी एनर्जी माइनस आर एच सी अपॉन 2π² यानी कि 4। तीसरे लेवल को हमने फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, ये तो नाभिक है, तो तीसरा लेवल है, दूसरी उत्तेजित अवस्था कहलाएगी, जाएगा आर एस सी अपॉन 9। तो इस प्रकार से किसी भी लेवल में इलेक्ट्रॉन तो उसके पास कितनी ऊर्जा होगी। अभी एक खास बात और है, रेडबर्ग नियतांक अभी हमने यहाँ पे लिखा, एच प्लैंक नियतांक, सी स्पीड ऑफ लाइट है, इन तीनों को अगर मैं निकालूं तो इसकी जो वो आती है यूनिट बच्चों, क्योंकि इसमें एन की तो एन तो एक नंबर है, ई एनर्जी, तो इसका मतलब आर एस सी की यूनिट जो है एनर्जी की यूनिट होती है, और एनर्जी की यूनिट जूल भी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है। अगर मैं आर एच सी की वैल्यू निकाल के इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो अगर हम चाहें तो इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए ग्राउंड स्टेट में, यानी कि सबसे पहले स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके ऊपर माइनस आर एच सी एनर्जी है, यानी कि माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं दूसरे लेवल में क्या होगी निकाल सकता हूं, तीसरे लेवल में क्या होगी निकाल सकता हूं, इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 3 12, 4 4 16 कितनी हो जाएगी, इसी को 9 से डिवाइड कर दो, 9 1 9, 9 4 13, 9 5 15, फिर 10 आ गया, फिर ये इस प्रकार से 1 1 करके ऐसी इलेक्ट्रॉन बोर्ड आ जाएगी ऐसी। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अब देखिए बोहर के तीन पोस्टुलेट थे, पहला था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ गोल गोल घूमता है और अलग अलग ऊर्जाओं, अलग अलग त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूमता है, और घूमते समय वो कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, यह है पहला। दूसरा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं को मैं जा सकता है जहां mvr रहा है, nh/2π है। तीसरा, जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो वो जितना उनका ऊर्जा का अंतर है उतना फोटोन ऊर्जा का बाहर निकालेगा। मान लो तीसरी स्तर से वो पहले में आता है तो कितनी वो ऊर्जा बाहर निकालेगा, कितनी ऊर्जा वो बाहर निकालेगा, तो तीसरे में है उसकी ऊर्जा इतनी माइनस इतनी, तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो आया किसमें, इससे हम यहाँ ग्राउंड स्टेट में आया मान लिया, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको मैं सॉल्व करूँ तो दिस विल बी, इसको 0 ले लेता हूँ यहाँ पे, 13.6 ये जुड़ जाएंगे, सॉरी घट जाएंगे, 13.6 into 1.51 10 में से 1 9, 5 में से 5 0,
ये आ गया 3 में से 1 गया 2। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन निकलेगा, इस ऊर्जा का यहां पे जब भी इलेक्ट्रॉन तीसरे लेवल से यानी कि पहला दूसरा तीसरा यहां से अगर यहां जाएगा तो इतनी ऊर्जा का फोटोन निकलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम चाहें तो इसको, क्योंकि जब फोटोन होता है उसकी आवृत्ति पूछी जा सकती है, फोटोन की ऊर्जा को HNU से दिखाते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो मैं इसको जूल में बदल लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर मैं गुणा कर दूं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ये आया हमारा जो भी आया, क्योंकि तीसरे से E3 से E1 में ये लौटा है, E3 को हम द्वितीय उत्तेजित अवस्था कहते हैं, द्वितीय उत्तेजित अवस्था से ग्राउंड अवस्था में लौटा है, तो इतनी ऊर्जा इसने ली, और ये बड़ा होता है HNU, तो हमारा HNU जो है वो आ गया 12.09। ये हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो रही हो, बट आप देख लेना हमें क्या करना है। तो उच्च ऊर्जा स्तर माइनस निम्न ऊर्जा स्तर, क्योंकि ये नेगेटिव में है ये उच्च ऊर्जा है, माइनस ये निम्न ऊर्जा है, तो घटा लेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको 1.6 × 10⁻¹⁹ से हम गुणा कर लेंगे। अभी जूल में आ गए, एच की वैल्यू रख देते हैं, एच की वैल्यू 6.6 × 10⁻³⁴ न्यू बराबर 12.09 × 10⁻¹⁹ × 10⁻¹⁹ तो इससे बच्चों आवृत्ति पता लग जाएगी, कितनी आवृत्ति का फोटोन इससे निकलेगा, 12.09 × 1.6 × 10⁻¹⁹ अपॉन 6.6 × 10⁻³⁴ को डिवाइड कर देंगे तो इतने हर्ट्ज की, इतने हर्ट्ज आएगा जो भी है यहाँ पे वैल्यू देंगे। तो इस प्रकार से जब कोई ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से, तो पहले तो आपको उस कक्षा में कौन सी ऊर्जा स्तर से लौट रहा है, यहाँ से लौट रहा है, यहाँ लौट रहा है, तो हम जो है उसको कितनी आवृत्ति का फोटोन उससे निकलेगा, उस फोटोन की जो लाइट निकल रहा है जो बोहर ने तीसरे उस नंबर में बताया अपने अभिग्रहित में या परिकल्पनाओं में, तो उस फोटोन की हम आवृत्ति निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों जब इलेक्ट्रॉन, अब आया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन में जब वो जो तीसरा हाइड्रोजन बोर का पोस्टुलेट है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में है, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से, मान लिया कोई N2 कोई N2 दूसरा हाई लेवल है से N1 पर जंप करता है, तो ये फोटोन, अब हमने EN2 के बारे में बताया है, ये है माइनस आर एच सी अपॉन N2 का स्क्वायर माइनस आर एच सी अपॉन N1 का स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूं, RHC तो कांस्टेंट है, ये माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो N1 पहले आ जाएगा, RHC अगर मैं ब्रैकेट में लूं 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन N2 स्क्वायर। यहाँ पर N1 क्या है, जहां लौट रहा है, और N2 कहां है, जहां से लौट रहा है। अच्छा देखिए, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में लौटता है तो वो न्यू आवृत्ति का लाइट निकालता है फोटोन, तो आवृत्ति की जगह वेवलेंथ भी पूछ सकते हैं लैम्डा, क्योंकि न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा होता है प्रकाश के लिए, तो यहाँ पर अगर मैं सी अपॉन लैम्डा कह दूं तो मेरे पास सूत्र आ जाएगा एस सी अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर एच सी 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। HC से HC कैंसिल हो गया, R की वैल्यू आपको पता ही है 1.09 × 10⁻⁷ प्रति मीटर, तो इससे 1 अपॉन लैम्डा यानी कि डायरेक्ट
ये जो आ गया उत्सर्जन जो लाइट वो निकालेगा, जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आएगा उसकी तरंग दैर्ध्य निकल जाएगी। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले में लौट रहा है ग्राउंड में, यानी कि N1 अगर 1 है और N2 2 है 3 है 4 है, तो किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में आता है सीधे, तो जो लाइट निकलती है उसे हम लाइमन श्रेणी का सदस्य मानते हैं। तो मैं इसको ऐसे अगर दिखा दूं, मैंने ये वाला जो लेवल है मैंने ये यहाँ दिखा दिया ग्राउंड, ये वाला लेवल, और ये वाले लेवल को मैंने यहाँ दिखा दिया दूसरा, ये N=1 है, ये N=2 है, ऐसे ये N=3 है, ये N=4 है, और ऐसे ये N=अनंत है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पहुंच गया तो समझो इलेक्ट्रॉन चला गया एटम को छोड़ करके, जैसे कहते हैं ना पलायन में वाला उस टाइप का। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां लौट रहा है, यहां से यहां लौट रहा है, यहां से यहां लौट रहा है पहले में, और इस प्रकार किसी भी ऊपर से यहां लौट रहा है, तो जो तरंग निकलेगी लाइट निकलेगी उसको हम लाइमन श्रेणी कहेंगे। तो ये सब लाइमन श्रेणी है, लाइमन श्रेणी, ये लाइमन श्रेणी का स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा देखने को। अगर किसी भी ऊपर से तो यहाँ इस वाले लाइमन श्रेणी के जो तरंग दैर्ध्य हो क्या हो जाएगी, 1/λ = r, 1/a² - 1/n². यहाँ पर n कुछ भी हो सकता है, 2 से 3 से 4 से 5। तो अब लाइमन श्रेणी की जब तरंग दैर्ध्य निकलेगी तो दूसरे से अगर पहले में आ रहा है तो भी लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य निकलेगी, और अनंत से अगर पहले में आ रहा है तो भी लाइमन श्रेणी की सदस्य मिलेगी। अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाला ट्रांजिशन कौन सा है, ये वाला ट्रांजिशन और ये नजदीक, ये बहुत कम ऊर्जा का ट्रांजिशन होगा, ये थोड़ा उससे ज्यादा का होगा, ये उससे ज्यादा का, ये सबसे ज्यादा का होगा, यानी कि सबसे ज्यादा ऊर्जा इस वाले में निकलेगी। और जो बच्चों ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य का उल्टा संबंध है, तो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य ये वाले ट्रांजिशन में निकलेगी। यानी कि अगर मैं एन की जगह अनंत रख दूं तो जो लैम्डा आएगी वो लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होगी, और अगर मैं N=2 रखूं यहाँ पर 2 से 1 में तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य आएगी। तो इस प्रकार से लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य अनंत से ये वाली होगी, और लाइमन श्रेणी की सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य ये होगी। तो कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लाइमन श्रेणी का जो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है वो क्या है और सबसे बड़ी क्या है। आर की वैल्यू रख लीजिए, लैम्डा निकाल लीजिए इसमें, ठीक है। तो आप इसको फिर इसी प्रकार किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से अगर दूसरे में लौट रहा है, मतलब तीसरे से दूसरे में, चौथे से दूसरे में, पांचवे से दूसरे में, और इसी प्रकार से अनंत से दूसरे में, तो ये होगी बामर श्रेणी। बामर इसका जो सूत्र हो जाएगा ये लाइमन का है, तो बामर का क्या हो जाएगा देखिए, इसका हो जाएगा 1/λ = r। अब किसी भी उच्च ऊर्जा से दूसरे में लौट रहा है तो 2² - 1/n² होगा, जहां पर n जो है बच्चों, अब n यहां पर n 2 से स्टार्ट है, 2, 3, 4 जो होगा यहां n 3 से स्टार्ट होगा, ये बामर श्रेणी हो जाएगी। इसमें भी सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य आपसे पूछी जा सकती है। लाइमन बामर पाश्चन, पाश्चन कब मिलेगी, जब किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे में लौटेंगे। मैंने यहां पर मैं N=5 भी ले लेता हूँ, N=6 भी ले लेता हूँ। तो किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जब आएगा यह पाश्चन, तो पाश्चन श्रेणी के सदस्यों की तरंग दैर्ध्य इस सूत्र से निकलेगी, r 1/3² - 1/n². यहाँ पर जो n है बच्चों 3 से ज्यादा होगा, यानी कि 4, 5 से लेकर अनंत तक,
फिर ब्रैकेट आता है इसके बाद अगली श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, इसके जो सदस्य हैं इनकी तरंग कैसे निकलेगी, वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर, वन अपॉन फोर का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन का स्क्वायर, जहां एन जो है 5, 6, 7 ऐसे होगा। और अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहा है जिसको अभी, और लास्ट में आता है फुंड, फुंड श्रेणी जो है उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो आर, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और n जो है यहाँ पे 6, 7 से लेकर अनंत। अब देखिए जब ये लाइट निकलती है, इलेक्ट्रॉन जब ट्रांजिशन करता है उच्च से निम्न को, मान लिया अनंत से पांचवें लेवल पे लौटा है, तो अनंत से पांचवें लेवल पे ये वाली कुंड की श्रेणी मिलेगी, ठीक है। तो जब हम इन तरंग दैर्ध्य को निकालते हैं, लाइमन के जो सदस्य इनकी तरंग दैर्ध्य निकालते हैं, बामन के तरंग दैर्ध्य, पाश्चन, ऐसी ब्रैकेट ऐसी कुंड के अंदर निकालते हैं, तो ये सदस्य जो है हमारे स्पेक्ट्रम के, जो हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है उसके कौन से भाग में इनका पड़ता है मामला, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम अगर मैं बनाऊं तो हमारा यहाँ पर गामा रेज होती है, इसके बाद यहाँ पर आती है एक्स रेज, फिर यहाँ पर आती है अल्ट्रा वायलेट, फिर यहाँ पर दृश्य प्रकाश होता है वायलेट से लेकर रेड तक, फिर रेड के इधर आती है अवरक्त प्रकाश इंफ्रारेड, फिर इसके बाद आता है माइक्रोवेव, फिर इसके बाद आता है रेडियोवेव। तो आपकी जो लाइमन श्रेणी है पूरी की पूरी बच्चों, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ती है, इस वाले इलाके में यहाँ पड़ती है लाइमन। लाइमन का सारे सदस्य जो है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होते हैं। बामर श्रेणी के कुछ सदस्य पड़ते हैं किसमें, शुरू के ये दृश्य प्रकाश में पड़ते हैं, कौन से, ये वाला जो प्रांश है इसमें दृश्य प्रकाश दिखता है, ये वाला दृश्य प्रकाश, ये वाला भी दृश्य प्रकाश होता है, और ये वाला भी, चार लाइनें जो है शुरू की, इसको एच अल्फा एच बीटा एच गामा एच डेल्टा ट्रांजिशन कहते हैं, ये जो चार है ये दृश्य पड़ते हैं, और बाकी इसके जो, तो बामर जो है वो भी इसी इलाके में पड़ता है। लाइमन तो पूरा का पूरा समझ लो ये लाइमन हो गया, ये बामर हो गया, बामर का कुछ हिस्सा दृश्य पड़ता है बाकी अल्ट्रा वायलेट में। और इसकी जो इधर वाली श्रेणियां हैं सारी, पाश्चन ब्रैकेट और फुंड, ये सब इस यहाँ पड़ती है अवरक्त क्षेत्र में, पाश्चन पीएस पाश्चन ब्रैकेट और फुंड, ये सब जो है अवरक्त क्षेत्र में ही फुंड। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, लाइमन श्रेणी पूरी की पूरी अल्ट्रा वायलेट क्षेत्र में पड़ती है, बामर श्रेणी अल्ट्रा वायलेट और दृश्य प्रकाश, ये शुरू के जो चार ट्रांजिशन है बामर श्रेणी का ये है 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2 और 6 से 2, यहां दृश्य प्रकाश निकलेगा, तो दृश्य प्रकाश, और बाकी सब इधर को आएंगे अल्ट्रा वायलेट में। पाश्चन ब्रैकेट फुंड तीनों जो है वो हमारी पड़ेंगी अवरक्त क्षेत्र में, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए आपको फिलहाल आज इतना ही हो सकता है, मैंने कोशिश की कि आपको काफी कुछ बता पाऊं, साल भर तो पढ़ाया है, लास्ट मोमेंट में एक बार रिवीजन अगर आपको कुछ काम आ सके। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत कल एग्जाम में आप पूरे धैर्य के साथ एग्जाम दें, और घबराए ना पेपर को देख के, जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहे वहां से स्टार्ट कीजिए, और बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता है, केवल जितना क्वेश्चन में पूछा गया वो आंसर आपके आंसरों में आना चाहिए, ठीक है। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे अंकों से